मात्र 28 दिनों में 1,10,00,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन करके मध्य प्रदेश देश में अव्वल स्थान प्राप्त कर चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बड़े काम की जिम्मेदारी गोविंद सिंह राजपूत को सौंपी थी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी टीम के साथ मिलकर यह बड़ा लक्ष्य हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व और अपनी टीम को बधाई दी है। गेहूं उपार्जन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस बार गेहूं उपार्जन का जब समय था वही समय में कोरोना फैल गया और बड़े ही चुनौतीपूर्ण समय था। कैसे इस स्थिति को हम ठीक कर पाएंगे, कैसे गेहूं खरीद पाएंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे सहकारिता और खाद्य विभाग की दोनों विभागों की टीम ने संयुक्त रणनीति बनाई और हम लोगों ने शुरू से ही, चूँकि खरीदी में हम लोगों को देर हो चुकी थी, लेकिन शुरू से ही रणनीति काम करी और बराबर मॉनिटरिंग की। वही कारण रहा कि आज मध्य प्रदेश पूरे देश में गेहूं खरीदी में नंबर 2 का स्थान बन चुका है। इसके पहले भी खरीदी हुई, मैं समझता हूं इसके पहले मैक्सिमम 84,00,000 मैट्रिक टन की खरीदी हुई है पिछले रिकॉर्डों में, लेकिन इस बार 28 दिन में हमने 1,10,00,000 मैट्रिक टन गेहूं खरीदा है। और ना केवल गेहूं खरीदा है बल्कि जो व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे बारदाने की व्यवस्था हो, चाहे भंडारण की व्यवस्था हो, उसमें भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गेहूं उपार्जन के बाद परिवहन टाइम से हो, भंडारण टाइम से हो। हाँ, बारदाने की थोड़ा सा संकट बना हुआ है, लेकिन उसमें भी लगातार हम लोग बात कर रहे हैं प्रदेश में, जिन प्रदेशों में भी खाद बारदाना है वहाँ से हम लोग मंगा रहे हैं और कोशिश की जा रही है। अभी तक की स्थिति में हमने 84,00,000 मैट्रिक टन गेहूं का परिवहन कर लिया है। कुल आज तक का भुगतान 12,000 करोड़ रुपये का भुगतान 12,00,000 किसानों के खातों में हमने ऑनलाइन कर दिया। वो लेटेस्ट स्थिति जो आज की पोजीशन है, आज की पोजीशन में 1,12,86,234 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। हमारा सोचना है कि हमारा सोचा था कि हम 1 करोड़ के आसपास जाएंगे, लेकिन 1,12,00,000 तो हो चुके, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी का कहना है, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का कहना है कि किसान का एक एक दाना हम खरीदेंगे, कैसे ही व्यवस्था हो उस व्यवस्था को रखने की व्यवस्था हम करेंगे। तो हमें लगता है कि हो सकता है आंकड़ा 1,25 के आसपास तक पहुंच जाए। इसमें आपके जो विभाग है तो बड़ी कोरोना वॉरियर्स की तरह काम किया है, उनका हौसला आपने कैसे बढ़ाया इस दौरान, क्योंकि कहीं ना कहीं जीवन का संकट तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। निश्चित रूप से संकट जीवन में सबके लिए है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। आज ही हमसे कोरोना योद्धा में हमारे फूड विभाग और सहकारिता विभाग कर्मचारियों को जोड़ने की बात कही है, हमने फाइल मूव की है PS के लिए कि इनको भी कोरोना योद्धा के रूप में, इनको भी जो इनकी आवश्यकताएं हैं उनको जोड़ा जाए, तो मैंने आज इस बात का ध्यान दिया है। विपक्ष का फिर भी आरोप लग रहे हैं कि बारदाने की कमी है और अभी कांग्रेस का ये आरोप लगा है कि बारदाने का घोटाला हो रहा है। देखिए, कांग्रेस को कोई काम बचा नहीं है, आजकल सब फुर्सत में बैठे हुए हैं, घर से तो निकल नहीं रहे। और मैंने कहा ना, पिछली सरकारों के रिकॉर्ड देखो ना, जब से उपार्जन शुरू हुआ है तब से लेके आज तक के हाईएस्ट गेहूं खरीदी उपार्जन शिवराज सिंह सरकार ने किए। तो हमारे मुख्यमंत्री जी किसान आम आदमी की सोचते हैं और डेली मुख्यमंत्री जी फोन करके पूछते हैं क्या हुआ बारदाने का, क्या हुआ भंडारण का, क्या हुआ परिवहन का, क्या हुआ पैसे किसानों के भुगतान का। तो उनकी चिंता बताती है कि वो खुद भी सुबह शाम ना केवल अधिकारियों से मॉनिटरिंग करते हैं बल्कि मुझसे भी पूछते हैं क्या हुआ। तो ये उनकी चिंता है, वो किसानों की सरकार है, किसानों के लिए जो भी बन सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा सर, ज्योतिराज सिंधिया जी के पोस्टर लगे हैं ग्वालियर में, कांग्रेस के अफसरों ने पोस्टर लगाए हैं और कह रहे हैं लापता है, पहले कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा में लगे थे और अब ज्योतिराज सिंधिया। तो एक मूर्खतापूर्ण काम है,
लॉकडाउन में सभी पता है कि इस समय निकलना मुश्किल है। हमारे मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक लॉकडाउन का सम्मान करते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए दिल्ली नहीं गए, जो जहाँ है वो वहीं है। इस प्रकार की पोस्टर ना लगाना चाहिए, ना शोभा देते हैं, क्योंकि सिंधिया जी के बारे में और शिवराज सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि ये लोग ऑफिस में नहीं दिन रात फील्ड में दौड़ने वाले लोग हैं। लॉकडाउन खुलेगा, स्थिति सामान्य होगी तो देखते हैं कांग्रेस से कौन से घोड़े दौड़ते हैं। ऐसा इसके अलावा जसवंत जाटव वो भी कह रहे हैं कि उपचुनाव में जो है ज्योतिराय सिंधिया चेहरा होंगे। देखिए उपचुनाव में सभी वरिष्ठ नेता, कांग्रेस भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सभी चेहरा होंगे। निश्चित रूप से शिवराज सिंह जी और सिंधिया जी हमारे कैंपेन के दो बड़े चेहरा होंगे। इंडिया फर्स्ट न्यूज चैनल का किसान फर्स्ट ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ये और अच्छा चले और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक योजनाओं से रूबरू होने का अवसर मिले और किसान को मार्गदर्शन हो सके, इस दृष्टि से इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और किसानों को भी और चैनल के प्रबंधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।